गुड आफ्टरनून क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के पार्ट तीन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शब्द। कल आपने वर्ण विचार पाठ का अभ्यास किया था, आज हम शब्द पाठ का अभ्यास करेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों, वर्णों मीन्स जो हम वर्ण पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, का कबूतर, खा खरगोश, का गमला, ये वर्ण होते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों अथवा वर्णों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ये वर्ण है क, म, ल, कमल जुड़कर बन गया एक सार्थक शब्द कमल। ठीक है, अब बना देखो, च पर ई की मात्रा, ड पर छोटी की मात्रा, फिर य पर आ की मात्रा, मात्रा और वर्ण मिलकर बने चिड़िया। एक सार्थक शब्द बना चिड़िया, जिसका एक मतलब है, अर्थ होता है, सबको पता है ये। अब है हमारा शब्द के भेद कितने हैं। शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अब अर्थ के आधार पर मुख्यतः शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। अब देखिए, हम अब इसका अभ्यास कार्य याद करेंगे। जिन्होंने कॉपी में भी तक कार्य नहीं किया है, वो कॉपी में भी कार्य कर लेंगे अपना। इसको सही का निशान लगाइए। क, वर्णों एवं मात्राओं के मेल से किसकी रचना होती है। सही उत्तर है शब्द। कौन सा शब्द नहीं है। दरवाजा शब्द होता है, सार्थक शब्द है। दजा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए सही उत्तर है आपका दजा। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, सही उत्तर है आपका तीन। कौन सा विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण। अब है आपका रिक्त स्थान भरिए। और मैं आपको एक बच्चों एक बात बताना ये चाहती हूँ कि आप जब प्रश्न उत्तर या अभ्यास कार्य याद करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे क का उत्तर वर्ण है, ख का उत्तर दवा है, ऐसे नहीं याद करेंगे। ठीक है, आपको पूरा शब्द पढ़ना है, ये पूरा वाक्य पढ़ना है, उस वाक्य का क्या उत्तर है ये समझकर याद करना है, ना कि उसको क का उत्तर, ख का उत्तर, ऐसे नहीं याद करना है। ठीक है।